तो इस लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। अब इसमें इस टॉपिक में सुनते ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि गांधी जी और वेल्थ, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने तो सारी वेल्थ को छोड़ के एक तरह से संन्यास ले लिया था और बहुत एकदम सिंपल वाला, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार वाले कंसेप्ट पे वो जिए थे, फिलॉसफी पे यकीन करते थे, वेल्थ क्रिएशन की बात ही नहीं करते थे। सेल्फ सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सोसाइटी पे वो फोकस करते थे। सेल्फ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली सोसाइटी क्या होती है, मतलब उनका ये कहना था ऐसी सोसाइटीज़ गांव में होती थी पहले, और जो आदिवासी एरियाज होते हैं वहाँ पे अभी भी होती है, अब तो गांव काफ़ी डेवलप हो गए हैं। मतलब मैं जब बचपन में गांव जाता था तो वहाँ पे ये देखता था, जो गांधी जी का कंसेप्ट था कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ उनको बर्बाद नहीं करनी होती थी, वेस्टेज नहीं होता था, और ना ही उनको कुछ बहुत से बाहर से ख़रीदना पड़ता था, बहुत कम मिनिमम चीज़ें उनको ख़रीदनी पड़ती थी। जैसे अपना ब्रश करना है तो वो दतून का इस्तेमाल करते थे, हाथ धोने के लिए कोयले की राख का, नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का, और बाल धोने के लिए वहाँ खुद ही सिक्का काई, चेहरे पे लगाने के एलोवेरा, और जो नेचुरल चीज़ें होती हल्दी चंदन उपटन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। मतलब वहाँ ना ही कोई कॉस्मेटिक सामान आता था घरों पे, और ना ही साबुन तेल मंजन ये सब सारी चीज़ें आती, सब कुछ वहीं पे पैदा होती थी, वहीं उगाई जाती थी, वहीं कंज्यूम करी जाती थी नेचुरल फॉर्म में। तो उससे क्या होता था कि विदेशी कंपनियां और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनका काम नहीं चलता था, तो वो एडवर्टीजमेंट में ये दिखाते थे कि आपके वो जो नमक है या मस्टर्ड ऑयल है ये आपके दांत ख़राब कर देगा, जो कोयले से आप दांत साफ़ करते हैं, दातून है वो आपको दांत ख़राब कर देगा, और अभी कोलगेट क्या कहता है, आपके पेस्ट में नमक है क्या, और कहता है कि ये चारकोल पड़ा है इसमें। तो मतलब उस समय जो हम लोग करते थे वो सही था, वो उन्होंने अब 25, 30 साल, 50 साल बाद एक्सेप्ट किया है, अब वो वापस हमारे उसी उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिसको वो एक समय बोलते थे कि इंडियंस मूर्ख है, इससे इनके दांत ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, ये नमक और मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का इस्तेमाल करके दांतों में पेस्ट कई जगह इस्तेमाल करते हैं तो इससे इनके दांत ख़राब हो रहे हैं। अब वो पूछते हैं कि आपके पेस्ट में नमक है क्या। तो फिर पतंजलि ने जब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, डाबर ने इस तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो फिर कोलगेट और जो दूसरी कंपनी आए जैसे HUL है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, तो ये भी उस तरह से ले आए कि वेद शक्ति, ठीक है, अब उनको वेदों में शक्ति समझ में आ रही है। पहले कहते थे कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, हमारे जो पेस्ट हैं जो केमिकल वाले वही अच्छे हैं, जबकि वो केमिकल वाले पेस्ट जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से साबुन वगैरह में भी होता है, शैम्पू होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हेयर फॉल का जो रीज़न है वो आप शैम्पू है, अगर आप शैम्पू का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें तो कौगंजे ही हो जाए। तो ये मुझे तब समझ में आया जब मेरे बाल कम हुए, तब मैंने कहा कि भाई क्यों कम हो रहे हैं, पता चला हेड एंड शोल्डर हम रोज लगा रहे हैं तो बाल ही उसने सब उड़ा दिए। फिर मैंने कहा इसको ख़त्म करो वरना गंजे हो जाएंगे, तो मैंने जब उसको रोका तो फिर थोड़े बाल गिरने रुक गए। तो ये सब क्योंकि बहुत हाईली केमिकल होता है। हम क्या हुआ, जब एक बार अपना आप कार या बाइक की सर्विस कराने जाओ तो मैंने कहा ये यार ये किससे साफ कर रहे हो, कह रहा है ये शैम्पू है। उसने एक रुपये दो रुपये का पाउच फाड़ा, डाला उसमें पानी डाला, उससे पूरा बाइक धो दी और कार धो दी, एकदम चमचमाने लगी। हमने कहा यार इतना खतरनाक होता है, इसने इतनी मिट्टी और गंदगी साफ कर दी इससे, तो सर का क्या करता होगा ये। इसलिए गांधी जी क्या कहते थे कि सेल्फ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली सोसाइटी, आपको मिनिमम खर्च में मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। और वो ये कहते थे अपना कपड़ा खुद बनाइए, चरखा चलाने पे नहीं कहते थे, फोकस करते थे। तो मतलब ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, खैर अब चरखा कौन चलाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है घर की औरतों को। तो लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आसानी से आप मिल जाती हैं, जैसे दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अब वापस आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो गांधी जी का ये कहना था कि जो ट्रस्टीशिप होती है उसका क्या मतलब है, उनका ये कहना है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोग वेल्थ के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कौन होता है, ट्रस्टी वो लोग होते हैं जो वेल्थ के मालिक नहीं होते हैं, उस वेल्थ को खाली मैनेज करते हैं, जिसका वो मैनेज करने का कुछ चार्ज लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है, कोई कंपनी नहीं है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का क्या काम है, ट्रस्ट का काम यह है कि बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठा करना और उसको
स्टॉक मार्केट में या अलग अलग मल्टी एसेट्स में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न बनाए बने उसको वापस डिस्ट्रीब्यूटर्स को लौटा देना, उनकी एनएवी एनहेंस कर देना या डिविडेंड के फॉर्म में उनको वापस करना, और ये सब काम करने का छोटी सी फीस, 1-2% फीस लेना साल की, जिसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ होती हैं वो ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट का क्या काम होता है कि वो उनके पास एसेट का मालिकाना हक नहीं होता है, खाली वो वेल्थ को, एसेट को मैनेज करती हैं जिसकी वो फीस लेती हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं अपने वेल्थ मैनेजमेंट की फिलॉसफी में कि जितने भी बड़े अमीर लोग हैं वो अपने आप को मालिक ना समझें अपनी संपत्ति का, उनकी खुद की संपत्ति है तब भी मालिक ना समझें। जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, ये कहते हैं ये लोग अपने आप को मालिक ना समझें कि $100 बिलियन इनके हैं, $100 बिलियन देश की संपत्ति है, आपने देश को, देश से पैसा कमाया है, ये सोसाइटी से पैसा कमाया है, आप इसके ट्रस्टी हैं, तो आप अपना एडवांटेज लीजिए, मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय करिए, अच्छे से खाइए पीजिए पहनिए, और उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको वापस समाज सेवा में लगाइए। ये काम कौन करता है? टाटा ग्रुप करता है। टाटा ग्रुप बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सैलरी देता है, CEO को बढ़िया पैकेज देता है, MD को, डायरेक्टर को, सबको अच्छे पैकेज देता है, अच्छी सैलरी देता है, उनके स्वास्थ्य का, उनके रहने का, उनके आने जाने का प्रबंध करता है, और उसके बाद जितना पैसा बचता है उसको वापस सोसाइटी को रिटर्न कर देता है चैरिटी के फॉर्म में। अभी आपने देखा होगा गौतम अडानी ने 60,000 करोड़ चैरिटी करी है, तो मुकेश अंबानी भी थोड़ा बहुत करने की सोच रहे होंगे, तो और भी कंपनियां जो हैं वो भी करेंगी। तो इसलिए ये वेल्थ मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, ये वेल्थ उनकी नहीं है, ये वेल्थ के ट्रस्टी हैं, और उनको ये पैसा इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं कि खुद भूखे मरना है। आप अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करिए, खाइए पीजिए घूमिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे समाज की सेवा करिए। ये गांधी जी का कहना है, सही कंसेप्ट है, ठीक है। टाटा भी इसी पे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो सत्य और अहिंसा पे बेस्ड है, मतलब सारे कॉर्पोरेट्स को, सारे इंडिविजुअल्स को हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए, यानी कि एथिकल होना चाहिए। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एथिकल, बिहेव एथिकली, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वहाँ का स्ट्रांग होना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अहिंसा, मतलब अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप एम्प्लॉई को मार रहे हैं, अगर आपने उससे ओवरटाइम करा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको कम पैसे दे के ज़्यादा काम करा रहे हैं, ये भी काइंड ऑफ अहिंसा है, मतलब हिंसा है। या फिर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट है, कुछ ऐसे केमिकल वाली चीज़ें बना रहे हैं, फिर आपने क्या किया, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रहे हैं, और आप सारा ऐसा कचरा नदियों में बहा दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि नदियों की मछली मर रही है, आप इन्वायरमेंट में जहरीली गैसें छोड़ दे रहे हैं, उसको फिल्टर नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रहे हैं पैसे बचाने के लिए, तो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ये नहीं करना है, ये काइंड ऑफ हिंसा है, कॉर्पोरेट हिंसा कर रही है इस तरह से। तो आपको समाज का ध्यान रखना है, सोसाइटी का ध्यान रखना है, ठीक है, उसको हिंसा, उसके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपको पैसे कमाने, इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, एम्प्लॉई का ध्यान रखिए, लोगों का साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, सत्य अहिंसा को फॉलो करते हुए पैसे कमाइए। ट्रस्टीशिप मैंने अभी आपको बताया कि जो आप डेवलपमेंट करिए, इकॉनमी को ग्रो करिए, अपने आप को तरक्की करिए, लेकिन आपको सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स को ध्यान रखना है, समाज का बुरा नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ का बुरा नहीं करना है, और आप इस जो ट्रस्ट, जो आपने संपत्ति अर्जित करी है सोसाइटी से, समाज से, देश से, आपने जो पैसा कमाया है वो उसको देश की सेवा में लगाई है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा सेवा में लगा दो, आप बिल्कुल फकीर बन जाओ। आप अपना भी ध्यान रखिए और देश का भी ध्यान रखिए। की प्रैक्टिसेस इन ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट क्या है, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्लायंस। ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट्स इन्वॉल्व ओवरसीइंग एसेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेके, ट्रस्ट क्या होते हैं। ट्रस्ट क्या होते हैं? ट्रस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको हम ट्रस्ट कहते हैं जो दूसरे की संपत्ति का ध्यान रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसके बारे में टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेके आपको ये की प्रैक्टिसेस बताएंगे ट्रस्टीशिप की। जैसे कि म्यूचुअल फंड की हर दिन यूनिट्स आती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, इंटरनेट पे आती है, आपके ऐप में अपडेट होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, रोज़ कम्युनिकेट करते हैं।
जब भी वो कोई पोर्टफोलियो में चेंज करते हैं तब भी नया पोर्टफोलियो आपके पास मेल पे आ जाता है, जब कभी वो एक्सपेंस रेशियो में चेंज करते हैं तो आपके पास एक मेल आ जाती है, यानी कि वो कम्युनिकेट करते रहते हैं लगातार आपसे। तो ट्रस्टीशिप में क्या है, आपको अपने ओनर्स के साथ, मेंबर्स के साथ, जो लोग ने आपके उसमें इन्वेस्ट किया है, जो बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ लगातार कम्युनिकेट करते रहना है आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आपको जो पैसा दिया गया है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि डुबो देना है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, ठीक है, उसको इस तरह से मैनेज करना है कि उसमें रिस्क बहुत कम हो, ठीक है। मेन कैपिटल अप्रिसिएशन अलग चीज़ है, सबसे पहले ध्यान देना है कैपिटल प्रोटेक्शन पे, कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी। वॉरेन बफेट ने अपना पहला रूल बताया है, रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, नेवर लूज योर कैपिटल, रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हालत में आपकी कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। फिर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। अगर आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में लग गए, धक्का लगा सब एक साथ फूट जाएंगे, ठीक है, चार फ्रिज में रख दो, चार कहीं और रख दो, चार कहीं और रख दो, उससे क्या होगा, एक जगह बिल्ली खा गई, टूट गए, तो दूसरी जगह से आप ऑमलेट बना के अपना पेट भर सकते हैं। मतलब कहने का ये कि अपना जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जो जो वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं ट्रस्टीज़ जो हैं, जो ट्रस्ट चला रहे हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक फंड में 50 कंपनी रखता है ताकि वो वेल डाइवर्सिफाइड कर ले। और उसमें भी 50 कंपनियों में हर एक सेक्टर की कंपनी होती है, उसमें कंपनी टेलीकॉम की एक कंपनी होगी, उसमें ऑयल एंड गैस की एक कंपनी होगी, उसमें मेटल माइनिंग की एक कंपनी होगी, उसमें FMCG की कुछ कंपनियां होंगी, उसमें फार्मा की कुछ कंपनियां होंगी, उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की कुछ कंपनियां होंगी। ऐसे करके वो प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। आपके पास स्टेटमेंट वो लोग भेजते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे, रिकॉर्ड्स रखते होंगे, अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब किसी को फ्रॉड नहीं करना है, जो इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के हिसाब से काम करना है। तो जितने भी ट्रस्टीज हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो इन सब पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। ये की प्रैक्टिसेस हैं ट्रस्टीशिप की, ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट की, ठीक है, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। इसमें से कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आपको नहीं समझ में आ रही है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना रिस्क को, बांट देना, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब आप एक ही टोकरी में सब अंडे रख देंगे, मतलब आपने एक ही जगह पैसा लगा दिया सारा, एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दिया, वो कंपनी डूब गई, मर गए, फिर क्या करोगे। तो आपने क्या किया, 50 कंपनी थोड़ा थोड़ा लगा दिया, यानी क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। वॉरेन बफेट ने एक और चीज़ बोली है, ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल। अगर कोई इंसान अपने सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पे जिंदा रह रहा है तो वो समझो मरते दम तक काम करेगा, वो कभी रिटायर नहीं हो पाएगा, कभी फ्री नहीं हो पाएगा, कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक अर्निंग का सोर्स है तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मल्टीपल अर्निंग के सोर्स क्रिएट करिए, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो यही ट्रस्टीशिप भी करता है, ट्रस्ट भी यही करता है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, तो जैसे कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में, कि क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि हर एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अकॉर्डिंग टू गांधीयन कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ऑल बिजनेस फर्म्स मस्ट वर्क लाइक अ ट्रस्ट। सभी बिजनेस को, सभी इंडिविजुअल्स को जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनको ट्रस्ट की तरह काम करना चाहिए। ट्रस्ट क्या करता है, ऑल असेट ऑफ द फर्म मस्ट बी हेल्ड बाई अ ट्रस्ट एंड मस्ट बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो जो ट्रस्ट वो होल्ड करता है उसकी मालिकाना हक उसके पास नहीं होता है, वो खाली उसका एक फीस चार्ज करता है। तो जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी फीस क्या होगी, उनकी सैलरी, उनका डिविडेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश भाई की जो सैलरी थी, शायद जो मुझे याद आ रहा है, वो 21 करोड़ या 25 करोड़ रुपए थी। और उनके घर का बिल पता है, साल भर का घर का जो बिल आता है वो कई सौ करोड़ का है। 25 करोड़ रुपए की सैलरी में तो अपने घर का बिल भी नहीं भर पाएंगे एंटीला का, साल भर का, तो खर्चा कैसे चलता है उनका। शेयर बेचते हैं क्या अपनी कंपनी के, कैसे खर्चा चलाते हैं, अनीता अंबानी से उधार लेते हैं, क्या करते हैं भाई। सैलरी से तो उनका खर्चा नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा तो बिजली का बिल लगता है उनके घर का,
दिखाने के लिए सैलरी रखी हुई है, कैसे खर्चा चलता है बताओ, पैसा कहाँ से आता है उनके पास? इन्वेस्टमेंट उनका रिलायंस में है, रिलायंस के शेयर है उनके पास, उसका डिविडेंड आता है। तब शर्मा के क्यों बता रही हो चोरी छुपे, जैसे लग रहा है कि गलत बात है। डिविडेंड आता है कितना, कई थाउजेंड्स करोड़, 45% रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर उसके उनके पास है, तो उसमें कई हजार करोड़ का डिविडेंड आता है उनका, तब उनका लाइफ सही से चल पाता है। ठीक है, सैलरी से कुछ नहीं होता। तो जो सैलरी पे डिपेंड होता है वो ये जिंदगी भर अपने बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली का बिल और ये राशन का खर्चा इसी में फंसा रह जाता है मुकेश अंबानी की तरह। तो उनके पास क्या है, उनका अर्निंग का सोर्स दूसरा है, डिविडेंड। तो वो यही कह रहे हैं गांधी जी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ट्रस्ट की तरह काम करें और सोशल वेलफेयर में पैसा लगाएं और समाज सेवा का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद बेकार हो जाएं, अपना भी अच्छे से काम करें, ग्रो करें, पैसे कमाएं और समाज सेवा भी करें, जैसे टाटा ग्रुप करता है। गांधीयन ट्रस्टीशिप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो क्या गांधीयन ट्रस्टीशिप इज अ सोशल इकोनॉमिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय महात्मा गांधी दैट एम्फसाइज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब देखो, गांधी जी कहते हैं कि सारे रिसोर्सेज स्केयर रिसोर्सेज है, अबंडेंस नहीं है, कोयला, पेट्रोल, पानी, बिजली सब लिमिटेड मात्रा में है। तो ऐसा अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं कि आपके पास पैसा है, आप बिल दे रहे हो तो आपने ज़बरदस्ती एसी चला के छोड़ रखे, घर में 12 कमरे तो 12 कमरे के एसी चला के छोड़ दिए, पूरा घर ठंडा हो रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप पानी ऐसे अननेसेसरी बर्बाद नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है उतना ही यूज़ करना है जितनी ज़रूरत है, आपको मानवता की डिग्निटी की समाज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है वो लिमिटेड मात्रा में है प्लेनेट पे। अगर एक कोई वेस्ट करेगा तो दूसरे का हिस्सा कम होगा। आप खाना खा रहे हैं, आपने कहीं गए खाना खाने का बुफे सिस्टम लगाया, आपने ऑर्डर देना है, खुद ही पैसा देना है, तो लोग क्या करते हैं, इतना खाना मंगा लेते हैं फिर बाद में बर्बाद हो रहा है। मैं देखा उठ के चले गए तो दो लोगों का खाना अभी बचा पड़ा है। तो आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे खाना बर्बाद करेंगे, उतना ही लोग खाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, लिखा रहता है कहीं कहीं पे। इस तरह की चीज़ें करके आपको हमेशा ह्यूमैनिटी का ध्यान रखना है, मानवता का ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहे हैं, इज ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होल्ड एंड मैनेज रिसोर्सेज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी बट अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। वह जो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी वेल्थ हम लोगों को ये नहीं मानी कि ये सब हमारी हो गई है, सब हम इसको बर्बाद करेंगे। आपके पास है, आप उसके ट्रस्टी हैं, आप खुद भी इंजॉय करिए और दूसरों का भी भला करिए। तो आपको हमेशा समानता का अधिकार देखना है, डिग्निटी देना है। मतलब जैसे उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को हरिजन कहा था, भगवान के जन, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको इक्वलिटी, सबका सम्मान। पहले ही होता था कि वो उस पर्टिकुलर कास्ट का है तो वो पानी नहीं भरेगा, वो मंदिर में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब जो है उसमें भेदभाव होने लगा है। मतलब अगर जो बहुत लंबे समय तक जब तो कहते हैं रिजर्वेशन, तो फिर प्रॉब्लम होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया गया था ताकि जो लोग नहीं डेवलप हो पाए उनको मौका मिले, लेकिन शायद अभी हम लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन को थोड़ा और दिन कंटिन्यू होना चाहिए, थोड़ी और इक्वलिटी की ज़रूरत है। रेलेवेंस ऑफ ट्रस्टीशिप इन मॉडर्न प्रिंसिपल, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।